शाम हो गई, मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम हो गया मेरे चैनल के नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट टू में। कल आप लोगों ने एक पार्ट देखा था और मैंने कहा था आपको कि कल हम जाएंगे अपनी बहन के घर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो आज हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर, मतलब कल ही शाम को हम जा रहे थे अपनी बहन के घर। तो ये तकरीबन 5:30 का टाइम था, मगरिब की नमाज़ पढ़ के और हम निकल गए थे, और बस अब उसके घर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ जा के आपसे फिर मिलते हैं। तो सॉरी है के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे उससे कुछ चेंजेस किए हैं, रेनोवेट किया अपना पूरा लाउंज, और माशाल्लाह आपने देखा कितना तो प्यारा लग रहा है। और मेरी छोटी सी बाजी भी कह रही है अम्मा अम्मा। यहाँ से अगर आप व्यू देखें तो इस तरह से मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि हम हमारी छोटी के म्यूजिक चल रहे थे। ये गुड्डो है हमारी जो सोई हुई थी, और इसको मैं खास मिलने के लिए आई। चोने गुटलो मैं अभी गई हुई है बाहर, और अभी थोड़ी देर में आती है। उसको सर्वेंट बता रहा है कि वो कुछ लेने गई है, तो बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और चीनी हमारी इधर ही है, मटर कर रही है, बच्चे इधर ही है। देखिए किस शैतानियाँ हो रही हैं। तो ये चल रहा है, बहन ने बाहर से आके फटाफट से खाना बनाया, चिकन पुलाव बनाया, कबाब बनाए और रायता वगैरह। बस मैंने कहा यही बनाओ, इससे ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाता। बहुत ही मज़े का पुलाव बनाया था और कबाब तो बहुत ही सुपर हिट थे। हम जा रहे हैं स्टेडियम इस टाइम। झूठ बोल रही है। चल बेबी, 1 2 3 एंड यस। सो गाइस हमने वॉक कर ली और बड़ा मजा आया। स्टेट यो गुड वे। और अब हम घर जा रहे हैं, रात हो गई है काफ़ी। यस इट्स 11:30। अब्दुल रहमान कामयाब। रात में बहन के ही घर रुक गई थी क्योंकि काफ़ी फोर्स कर रहे थे। मैंने कहा चलो सही है, बहनों का एक ही शहर में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ भी हो और जब बहनें आपस में मिलती हैं तो अपने दुख सुख और खुशियाँ यू नो बांटती हैं, अच्छा लगता है। तो मैं हम दो ही बहनें हैं तो हम बस एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं, खुश होते हैं मिल के। बस सुबह उठ के मैं निकल गई थी वहाँ से नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स वगैरह लेने थे। अगले दिन आपको पता है वीक स्टार्ट हो जाएगा और वही खाने के सिलसिले स्टार्ट हो जाएंगे। और बस यहाँ से मैंने कुछ सब्ज़ी ली, क्लाइंट्स कह रहे थे कि फ़िश भी इस वीक में बनाएं और पाए भी बनाएं, तो फ़िश तो मुझे मिल गई थी, फ़िश भी मैंने इनके लिए ले ली। बस घर जाते जाते जो है वो काफ़ी शाम हो गई थी, बल्कि रात ही हो गई थी। देखें जब तक हम निकले यहाँ पे पहुँचे, मेडिसिन की मुझे ज़रूरत थी कुछ, मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। फ़्लावर्स देखें कितने खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पे शॉप है ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, बहरिया में Phase 7 में, और काफ़ी महंगी है, तो इसलिए मैंने अंदर जाने की यहाँ पे जुरत नहीं की।
कभी अगर मैं गई तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी ज़रूर साथ लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को। बस इस तरह से हमारा दिन जो है वो गुज़र गया। संडे गुज़रा, मंडे आ गया, मंडे को काम स्टार्ट हो गया। मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी, बहुत ही मज़े की, और बस अब पैक कर रही हूँ। यासीन स्कूल से आ गया था और पैक करके उसको दे रही हूँ, वो जा रहा है डिलीवरी के लिए। और बस मंडे तो फिर आपको पता है वीक अप मेरा बिज़ी स्टार्ट हो चुका है, और आप सबकी दुआएं चाहिए। दुआएं करें कि मेरा काम अच्छा हो। ये यासीन लेके बेचारा जा रहा है और मुझे बड़ा तरस आता है जब स्कूल से आके इस तरह से जाता है। आज का मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, बादल बादल से हैं और शायद रात को बारिश भी हो जाए। क्वेटा में तो भाई बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, अल्लाह करे यहाँ भी हो जाए तो मौसम और अच्छा हो जाएगा। ठंडा ठंडा यहाँ पे कपड़े धो के डाले हुए, अभी एक लॉट और आ रही है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किस कंट्री किस सिटी से देख रहे ज़रूर बताएगा, मैं भेजूँगी आपको प्यारा सा हग। ओके, टाटा, बाय बाय।